प्रकृति के तीन गुणों को कौन पार कर जाता है? जिसको आनंद चिन्मय रस पद की प्राप्ति हो जाती है, बस सरल बात है, जो आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है। और बताइए सरल करके। माम चलो अव्यभिचार, जो मेरी अव्यभिचार भक्ति में लगा होता है। माम चलो अव्यभिचार है भक्ति योग में से होते हैं। सगुणान संतीते और ब्रह्म भूला करते हैं। अव्यभिचारी भक्ति में लग जाता है, मतलब क्या? तुम क्या करोगे? तुमको मान लो तीन गुणों से परे उठना है, अब क्या करोगे? उठना है कि नहीं? भगवान की शरणागति का वाली ना सुन के सब कुछ। हाँ, ये है सबसे सरल उपाय, ठीक है? क्यों सुनना ही नहीं है, बाल कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करना है और ये हैबिट बना लेनी है। ये प्रभुपाद जी ने कहा था तात्पर्य में, सुनने की जो आदत बना। हाँ, ये गुरुमुख पद्म वाक्य बिल्कुल हृदय में धारण करके रखो, एक एक सेंटेंस प्रभुपाद का, है ना? हैबिट बना लो, आदत बना लेगा जो कृष्ण कथा सुनने की, वो तीन गुणों को पार कर जाएगी। यही है इसका अर्थ, माम चाहिए अव्यभिचारेण। और कुछ नहीं सुनना है उसको, संसार का विषय नहीं सुनना है, चूँकि वो बंधन का कारण हो जाएगा। केवल कृष्ण कथा सुननी है, ठीक है? और ये हैबिट आ गई। तो जिसको रसास्वादन मिला है उसी वही हैबिट बना पाएगा। तो पहले तो रस आए, रस के लिए क्या करना है? सुनना है बस, प्योर डिवोटीज से बैठ करके प्योर कथा श्रवण करनी है। अच्छा, ये शक्टासुर जब मर गया, शकट इधर उधर बिखर गया, तो घटना स्थल पर जब नंद बाबा यशोदा और सारे ब्रजवासी वहाँ पर आए शोर सुन करके, तो आपस में चर्चा करने लगे और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच रहे हैं कि कैसे हो गया। तो खुद किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच रहे हैं और गोप बालकों ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये रो रहा था, पैर उछाल रहा था, इसके पैर लग गया, उस शकट जो है पलट गया, इसी ने पलटा है, हमने देखा है, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया, क्यों? अपने बच्चे के बल पे विश्वास नहीं होगा, बालक के रूप में देखा, क्यों नहीं है विश्वास? नॉर्मल साधारण बालक, सामान्य शिशु समझ रहे हैं भगवान को, क्यों नहीं विश्वास कृष्ण के बल पे? योग माया करने लगे, रूपात के शब्द अव्यवस्थित मती, क्यों नहीं मती? वात्सल्य के कारण, वात्सल्य प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि इसके अंदर इतना बल होगा, उसकी तो चिंता कर करके मर रहे हैं कि इसके बाद फिर संकट आ गया, पहले पूतना आई थी, अब पता नहीं कौन आया होगा, कोई राक्षस होगा, ये कहाँ पलट देगा? अपने आप तो उलटेगा नहीं, ना कोई आंधी आई, ना कोई तूफान आया। इन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े सब जुटे हुए हैं, आनंद बाबा उपनंद कौन कौन ये आए हैं बताने के लिए, इसने पैर मारा था। जाओ खेलो जाके बड़े आए ज्ञानी तो ये शकट भंजन की लीला हुई थी। अब आगे चलते हैं। हरे कृष्ण। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 17। रुदन्तं सुतमादाय यशोदा गृहशंकिता कृतस्वस्त्ययनं विप्रैः सूक्तैः स्तनम् अपाययत् पूर्ववत् स्थापितं गोपैः बलिभिः सपरिच्छदम्
विप्राहुत्वार्चयाम् चक्रुः दधीयक्षतकुशाम्बुभिः ये अनसूयानृतदम्भ ईर्षा हिंसा हिंसा मान विवर्जिताः ये अनसूयानृतदम्भेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिताः न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफलाः कृताः इति बालकम् आदाय साम ऋग यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्रौषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् नन्दगोपः समाहितः उत्त्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम् गावः सर्वगुणोपेता वासः श्रीरुक्ममालिनीः आत्मज अभ्युदयार्थाय प्रादात्ते च अन्वयुञ्जत विप्रामन्त्रविदो युक्ताः तैर्याः प्रोक्तास्तथाशिषः तान् निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम् तो शकट भंजन कर चुके भगवान, सारा समाज वहाँ घटनास्थल पे इकट्ठा है, नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ, गोपगण, बालक सब वहीं पे आ गए हैं। कृष्ण रो रहे हैं, रुदंतम सुतम आदाय यशोदा ग्रह शंकिता कृत स्वस्त्ययनम विप्रैः सुप्तैः स्तनम अपाययत। रुदंतम रोता हुआ, सुतम पुत्र को आदाय उठाकर, रोते हुए पुत्र को उठाकर, रुदंतम सुतम आदाय यशोदा, माता यशोदा ने ग्रह शंकिता बुरे ग्रह से भयभीत कृत स्वस्त्ययनम तुरंत ही सौभाग्य के लिए अनुष्ठान किया, विप्रैः ब्राह्मणों को बुलाकर, सुप्तैः वैदिक स्तुतियों द्वारा, स्तनम अपना स्तन अपाययत बच्चे को पिलाया। ग्रह शंकिताः बाल ग्रहों के कारण बालक के अनिष्ट की आशंका से व्याकुल, यशोदा को लग रहा है कि कोई बुरा ग्रह जो है मेरे बच्चे पे अटैक कर दिया है, ग्रहों का प्रभाव है, कैसे पलट गया शकट। ग्रह शंकिता यशोदा ग्रह शंकिता रुदंतम रोते हुए, रुदंतम सुतम आदाय रोते हुए अपने पुत्र को वक्ष स्थल में धारण किया, एवं विप्रैः सूक्तैः कृत स्वस्त्ययनम
वेदक के ब्राह्मणों से मांगलिक वचनों के द्वारा उसका रक्षा विधान करा के स्तनम अपायत, तब उनको अपनी गोद में बैठा करके दूध पिलाने लगी। रुदंतम सुतम आदाय यशोदा ग्रह संगिता कृत स्वस्त्यनम विप्रैः सूक्तैः स्तनम अपाययत। यशोदा जी को आशंका हुई कि बालक पर किसी ग्रह आदि ने आक्रमण किया है, इसलिए उन्होंने अपने रोते हुए लाल को गोद में ले लिया। ब्राह्मणों से बालक की रक्षा के लिए मांगलिक वेद मंत्रों का उच्चारण करवाकर स्वस्तेन यानी स्वस्तेन कर्म माने शांति पाठ, ग्रह शांति के लिए पाठ वो करवाया। इसके बाद वे अपने लाडले को स्तनपान कराने लगी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब भी कोई संकट आ पड़ता है या कोई अशुभ घटना घट जाती है तो वैदिक सभ्यता की यह प्रथा है कि उसके प्रतिकार के लिए वैदिक स्तुतियां कराने हेतु योग्य ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। संकट आया तो क्या किया जाता है? वैदिक स्तुतियां। और कौन करेगा? योग्य ब्राह्मण। माता यशोदा ने इसे ठीक प्रकार से किया और उसके बाद अपने बच्चे को स्तनपान कराने लगी। तो संकट का प्रतिकार कैसे करना है मैया सिखा रही हैं सबको। ब्राह्मणों को बुलाकर वेद मंत्रों का उच्चारण पहले भी कराया था जब पूतरा आई थी, आगे भी कराएंगी जब और असुर आएंगे, लेकिन वेदों से विश्वास नहीं हटेगा, ब्राह्मणों से विश्वास नहीं हटेगा। ये पहले भी कराया था, पूतना आई थी तो फायदा क्या हुआ? आजकल आदमी फायदा पहले देखता है, छोड़ो इससे कुछ नहीं होता है, छोड़ दिया है ना। लेकिन यशोदा को अभी आप देखेंगे पूरा आगे की लीलाओं में बार बार वही विश्वास खाली एक ही चीज़ पर है, ब्राह्मण का आशीर्वाद देंगे मेरे बच्चे को, ये ठीक रहेगा। पूर्ववत् स्थापितं गोपैः बलिभिः स परिच्छदम् विप्राहुत्वार्चयाम् चक्रुः दधि अक्षत कुशाम्बुभिः। बलिभिः यानी बलशाली, गोपाई है नंद महाराज जी के सेवकों ने। पहले तो नंद बाबा ने जो बलवान बलवान गोप थे उन सबको बुलाया, इधर आओ बेटे। सब परिच्छदम यानी चक्र अक्ष युगंधर आदि सहित, जिसे सब बिखर गए थे, जो शाफ्ट थी जिसमें दोनों पहिए लगे होते हैं वो शाफ्ट अलग हो गई, पहिए अलग हो गए, और आगे जिससे बैल बांधे जाते हैं युगंधर वो भी सब हट गया। सब चीज़ें टूटी फूटी नहीं लेकिन बिखर गई चले। तो अब ये भारी भारी थे शकट, कोई हल्का फुल्का शकट नहीं था, बहुत हैवी शकट था, तो इसलिए बलशाली गोपों को बुलाना पड़ा। पूर्ववत पहले के समान स्थापितम, उस शकट को यथा स्थान पर स्थापित किया। किसने? बलि भी गोपाई है, बलवान गोपों ने। विप्राह पहले से ही नंदालय में औत्थानिक पर्व में समागत वात्सल्यवान ब्राह्मणों ने, उनका भी वात्सल्य है, ब्रजवासी हैं सब। हुत्वा पहले हवन कर, तदनंतर दधि अक्षत कुशाम्बु भी, दधि मिश्रित चावल और कुश के द्वारा जल छिड़क कर उस शकट का अर्चयाम चक्रु अर्चन किया।
प्रभुपाद ने लिखा है भगवान का अर्चन किया, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं शकट का किया। ठीक है, दोनों ही सही है। शकट भी क्योंकि भगवान का ही स्वरूप होता है, जो ग्वाले अच्छा, होते हैं उनके लिए। अच्छा हाँ, वो लक्ष्मी का वास स्थान है, अधिष्ठान है। हाँ। लक्ष्मी चूंकि जो भी हो सब उनका प्रोडक्ट होते हैं उसी पे लाद करके हाँ। रखते हैं, उनके लिए लक्ष्मी वही है, तो लक्ष्मी कहाँ वास करती है। तो प्रभुपाद जी ने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, और चक्रवर्ती पाद वात्सल्य प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो आचार्य आचार्यान चक्र हो, अर्चा अर्चायाम चक्र हो, अर्चना की। अनुवाद, अनंतर बलवान गोपों ने एक साथ मिलकर उस विशाल छकड़े को उठाकर सीधा कर दिया और उसके ऊपर पहले की तरह सारी सामग्री भी रख दी। ब्राह्मणों ने ग्रह शांति के लिए पहले हवन किया, फिर बाद में दही से युक्त अक्षत एवं कुश से युक्त जल के द्वारा छकड़े की पूजा की। अब यहाँ इतने बड़े बड़े प्रामाणिक लोग जो हैं उस छकड़ों की पूजा कर रहे हैं, हम लोग से कहते हैं देवताओं की मत करो। काम स्थिति आना प्रपद्यन्ते है ना, लेकिन यहाँ काम स्थिति आना नहीं है, इनका भी हृत ज्ञाना तो है लेकिन वो योग माया के द्वारा हृत ज्ञाना है, और कृष्ण से प्रेम करने के लिए वो फेवर कर रहा है। तो जो चीज़ कृष्ण के काम आएगी वो तदीय हो गई, तदीय सेवनम हो गया ये। ठीक है, क्या कहा शिव जी ने पार्वती से, क्या है सबसे बड़ी आराधना? विष्णु आराधनम परम तस्मात परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ आराधना क्या है? तदीय की। तदीय माने भगवान से संबंधित जो चीजें हैं, तो जो चीज कृष्ण के काम आ रही है उसकी सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर के, तो ये तदीय सेवा चल रही है। इंद्र की पूजा भी इसी तरह से चल रही है, इंद्र वर्षा करेगा, घास होगी, गाय घास खाएगी, दूध देगी, मक्खन निकलेगा, कृष्ण खाएगा, ये है। इसलिए इंद्र की पूजा करो, कृष्ण मना कर रहे हैं मान नहीं रहे कहीं, तो कृष्ण का हमें आनंद मिलेगा, आप करो तो तुम्हें आनंद के लिए तुम चुप कर रहे थे। कुशल रहे बलराम कनाई नहीं कारण करत पूजाई, तुम्हारी वजह से तो सबकी पूजा करते हैं हम लोग, तुम इसी में खुश हो तो ठीक है। तो बलवान गोपों ने शकट को पूर्ववत स्थापित किया, इससे उस शकट की विशालता ज्ञात होती है। अर्चयाम चक्रु, ब्राह्मणों ने उस शकट की पूजा की क्योंकि वह गोप जाति का प्रधान आश्रय और संचित धन के आस्पद के रूप में लक्ष्मी जी का अधिष्ठान है। आस्पद माने ठौर, आवास, केंद्र स्थान, उनका व्यवसाय उसमें काम आने वाला। ये असूया नृतदंभेर्ष्या हिंसा मान विवर्जिता न तेषां सत्यशीलानां आशिषो विफलाः कृताः इति बालकमादाय सामृग्यजुरुपाकृतैः जलैः पवित्र औषधिभिः अभिषिच्य द्विजोत्तमैः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् नन्दगोपः समाहितः हुत्वा चाग्निं द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्। ये जो परम वैष्णव ब्राह्मण गण
असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, मान विवर्जिता। असूया, अनृत, दंभ, ईर्ष्या, हिंसा, मान विवर्जिता। अर्थात ईर्ष्या द्वेष, मिथ्या दंभ, हिंसा और मान शून्य है। तेषां ऐसे सत्यशीलानां, सत्यनिष्ठ स्वभाव वालों के कृता दिए गए आशीषम आशीर्वाद, विफलाह निष्फल न नहीं हो सकते इति ऐसा मानकर समाहितः परम श्रद्धावान नंदगोपः गोपराज नंद ने बालकम अपने पुत्र को आदाय लाकर द्विजोत्तमई है ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा साम ऋग यजु उपाकृतई है। साम आदि वेद त्रयी में उक्त मंत्रों के द्वारा और पवित्र औषधि भी कुश सर्व औषधि महा औषधि आदि से युक्त जलई है जल से अभिषिच्य अभिषेक कराकर स्वस्त्ययनम वाचयित्वा मांगलिक कार्यों को संपन्न किया एवं अग्निम हुत्वा च अग्निमंडल स्थापित कर सुसंस्कृत अग्नि में मांगलिक होम कराकर द्विजातिभ्यः उन ब्राह्मणों को महागुणम सुस्वादिष्ट रस आदि से युक्त अन्नम भोज्य द्रव्य प्रादात दान किए। नंद बाबा जानते थे कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरे बालक की कुशलता है। कैसे ब्राह्मण? जो ब्राह्मण असत्य के दोष से रहित है, जो कभी झूठ नहीं बोलता, असूया से रहित है। असूया माने ईर्ष्या, दंभ, दंभ से रहित हैं, झूठा अहंकार, हिंसा, अभिमान इत्यादि दोषों से रहित हैं। उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। इस अभिप्राय से नंद राय जी ने अपने चित्त को स्थिर कर बालक कृष्ण को गोद में ले लिया और उत्तम ब्राह्मणों द्वारा ऋग, साम एवं यजुः वेद आदि के मंत्रों से अभिमंत्रित एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अपने पुत्र का अभिषेक करवाया। पवित्र औषधियों से युक्त जल और मंत्र आदि के द्वारा शुद्ध किया गया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने स्वस्त्ययन पाठ करके हवन किया। तत्पश्चात नंद गोप ने ब्राह्मणों को उत्कृष्ट एवं सुस्वादु अन्न का भोजन कराया। तो कौन से ब्राह्मण हैं जिनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता? क्वालिफाइड ब्राह्मण, जो कभी झूठ ना बोलता हो, ईर्ष्या नहीं करता हो, उसके मटेरियल कोई कंपटीशन नहीं है उसका, ठीक है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानता है, ठीक है, आत्मा को जानता है, किसके अंश है उसको जानता है।
तो इसलिए उसका भौतिक जगत में कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत ही शांत रहता है। नंद महाराज को ब्राह्मणों की योग्यता एवं उनके आशीर्वाद पर पूरा पूरा भरोसा था, उन्हें पूरा विश्वास था कि यदि उत्तम ब्राह्मण केवल अपना आशीर्वाद दे दें तो बालक कृष्ण सुखी रहेगा। ये बहुत डिफरेंस आ गया, अभी कोई इस चीज पे विश्वास नहीं करता। योग्य ब्राह्मणों के आशीर्वाद न केवल भगवान कृष्ण को अपितु हर एक को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। ब्राह्मण का आशीर्वाद तो नंद बाबा कृष्ण को दिलवा रहे हैं, आशीर्वाद अच्छे से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, गऊएं दान कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनको मतलब ब्राह्मण खुश हो जाए, एकदम ब्रिज का ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न होगा तो क्या करेगा, आशीर्वाद देगा। बच्चे को और कौन सा वो ज्ञान थोड़ी देने लग जाएगा, आशीर्वाद ही देगा। तो नंद बाबा को बड़ा बड़े खुश हो जाते हैं, ब्रिजवासी आए, अच्छे से खा पी के गए, दान वान सब एक्सेप्ट किया उन्होंने, ददाति प्रतिग्रहणाति, तो प्रेम का आदान प्रदान सब हुआ, आशीर्वाद देके गए मेरे बच्चे, बस नंद बाबा गदगद। कृष्ण क्या है, पूर्ण स्वावलंबी, वो किसी पे डिपेंड थोड़ी है किसी के आशीर्वाद पे, पूर्ण स्वावलंबी है। पूर्ण स्वावलंबी होने के कारण कृष्ण को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नंद बाबा तो नंद बाबा, नंद बाबा ने सोचा कि कृष्ण को ब्राह्मणों के आशीर्वाद की जरूरत है, संकट आ रहा है इसके ऊपर, देख रहे हैं बार बार, ये आशीर्वाद तो चाहिए, बस केवल आशीर्वाद पे ही भरोसा है उनका और कुछ नहीं। पूर्ण स्वावलंबी होने के कारण कृष्ण को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नंद महाराज ने सोचा कि कृष्ण को ब्राह्मणों के आशीर्वाद की जरूरत है। ये है शुद्ध प्रेम, इसमें ज्ञान कहाँ है कि कृष्ण भगवान है, ये नंद बाबा को पता है? पता होता तो इनको आशीर्वाद दिलवाते ब्राह्मणों से। तो फिर अन्यों के लिए क्या कहा जाए? तो जब कृष्ण को आशीर्वादों की जरूरत है अकॉर्डिंग टू नंद बाबा, तो फिर हम लोगों को तो चाहिए ही चाहिए वैष्णवों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का, शुद्ध ब्राह्मणों का, उसके बगैर हमारा कैसे कल्याण होगा, हो ही नहीं पाएगा। तो अन्यों के लिए तो बहुत ही जरूरी हो गया, वो तो स्वावलंबी है, पूर्ण स्वावलंबी। अतः मानव समाज में पुरुषों का एक आदर्श वर्ग ब्राह्मण वर्ग होना चाहिए, जो अन्यों को अर्थात क्षत्रिय वैश्यों तथा शूद्रों को आशीर्वाद दे सके, जिससे हर कोई सुखी हो सके। एक ऐसा वर्ग तो चाहिए, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं। इसलिए भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि मानव समाज में चार वर्ण होने चाहिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। ऐसा नहीं है कि हर कोई शूद्र या वैश्य बन जाए, अभी तो यही है ना, खूब फैक्ट्री लगाओ, खूब फैक्ट्री लगाओ, खूब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, कितनी नौकरियां दी, एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट कम बताती है, फिर अपना ज़्यादा बताती है, डेटा बताते रहते हैं, हमने 100,000 लोगों को वचन दिया, मैनिफेस्टो में सब लिखते रहते हैं, इतने लोगों को नौकरी देंगे, उतने को नौकरी देंगे, सबको नौकर बना डालो बस, कुछ मालिक बन जाए और बाकी सब नौकर। और आशीर्वाद कौन देगा?
पैसा कमाएंगे तो खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये है सोच आज की। वो फैक्ट्री चला करके पैसा कमा लेगा शोषण करके, और ये जो है ये नौकरी कर करके फिक्स इनकम आती रहेगी, इसलिए वो उसमें खुश है। बस आशीर्वाद की कहाँ ज़रूरत है, जब पैसा आ रहा है रेगुलर तो क्या आशीर्वाद चाहिए। तो मानव समाज में पुरुषों का एक आदर्श वर्ग ब्राह्मण वर्ग होना चाहिए, जो अन्यों को अर्थात क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों को आशीर्वाद दे सके, जिससे हर कोई सुखी हो सके। इसीलिए भगवद गीता में 4:13 में कृष्ण कहते हैं मानव समाज में 4 वर्ण होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर कोई शूद्र और वैश्य बन जाए तो मानव समाज समृद्ध होगा, ये बात गलत है। जैसा कि भगवद गीता में स्थापना की गई है, सत्य शम दम तथा तितिक्षा जैसे गुणों से युक्त ब्राह्मण का एक वर्ग होना चाहिए, जो सत्यशील हो, जो मन पर नियंत्रण करता हो, जो इंद्रियों का दमन करता हो, जो सहनशील हो, क्षमाशील हो, ऐसा एक वर्ग चाहिए। यहाँ भागवत में भी नंद महाराज योग्य ब्राह्मणों को बुलवाते हैं। कोई जाति से ब्राह्मण हो सकते हैं, हमारे मन में ब्राह्मण जाति के लिए आदर है, किंतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने से ही वे मानव समाज के अन्य सदस्यों को आशीर्वाद देने के योग्य नहीं बन जाते। ब्राह्मण क्या पैदा हुआ है तो आशीर्वाद दे देगा और सही हो जाएगा, और ये सत्य क्षमा दमा इन सब का क्या होगा, वो सब तो कुछ है ही नहीं उसके पास। ऐसा ब्राह्मण जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं वो आशीर्वाद दे तो विफल नहीं होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण जाति के लिए हमारे हृदय में आदर है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हो जाता। यह शास्त्रों का निर्णय है। कलयुग में ब्राह्मण जाति में जन्मे मानव को ही ब्राह्मण मान लिया जाता है। बच्चे को लेके जाते हैं कहीं श्राद्ध वाद में, क्योंकि हम लोग तो इसी प्रैक्टिस में थे, पिताजी कर्म कांडी ब्राह्मण, बड़े पंडित जी तो ये हैं, छोटे वाले को छोटा बच्चा लेके जा रहे हैं पहले इसके पैर छू। और ये भी नहीं कि बड़े पंडित जी हैं, विष्णु भगवान का नाम लेकर के उसके चरण धुलवाते हैं कि पहले विष्णु भगवान के चरण धोइए तब उस बच्चे के चरण धुलना है। जो छोटा है सबसे वो विष्णु भगवान है, कमाल हो गया। ऐसे ही कोई विष्णु भगवान पैदा हो जाते हैं लोगों के यहाँ देखा है हमने इसे तमाशा, ये बड़े पंडित जी हैं। और फिर वो लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे माता पिता, यानी बड़े पंडित जी कैसे हो गए, अभी तो इसके अंदर गुण क्या है, क्योंकि खुद में ही नहीं है गुण, वो खुद ही रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए बताते नहीं है। ये दशा है। तो नंद बाबा ने ऐसे ब्राह्मण नहीं बुलाए हैं, ये शास्त्रों का निर्णय है। कलयुग में ब्राह्मण जाति में जन्मे मानव को ही ब्राह्मण मान लिया गया है। विप्रत्वे सूत्रमेव ही भागवत 12वां स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक। कलयुग में 2 पैसे का जने उदाहरण करके कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। पंडित जी कुछ क्रिया कर्म कराने आते हैं तो जनेऊ अपने साथ 2-4 लेके आते हैं जो व्यक्ति क्रियाकर्म पे बैठा है इसका जनेऊ संस्कार हो चुका है, कहीं नहीं हुआ है, पहले हम लाए हैं पहना दिया। वैसे तो ब्रह्म जिज्ञासा हो नहीं हो, ब्रह्म जानाती भी तो बात ही छोड़ दो, हो गया जनेऊ तो धागा पहन लिया। ये प्रैक्टिकली ये सब देखा जा रहा है। विप्रत्वे सूत्रमेव ही
दो पैसे का जनेऊ धारण करके कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। नंद महाराज ने ऐसे ब्राह्मणों को नहीं बुलवाया था। जैसा कि नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर की सभा में, सातवां स्कंद 11वां अध्याय 35 नंबर श्लोक, यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। भले ही वो भिन्न जाति का हो लेकिन अगर उसके लक्षण हैं ब्राह्मण वाले तो उसको ब्राह्मण मानना है, लक्षणों से मानना पड़ेगा, ठीक है, जन्म से नहीं। यस्य यल लक्षणम प्रोक्तम, नारद जी कह, पुंसो वर्ण वर्ण अभिव्यंजकम, वर्ण भले दूसरा ही क्यों ना हो, यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। शास्त्र में ब्राह्मण के लक्षण दिए हुए हैं और उसे इन लक्षणों से संपन्न होना चाहिए। ऐसा ब्राह्मण जो ईर्ष्यालु नहीं है, गर्व से फूला हुआ नहीं है, अहंकार और मिथ्या प्रतिष्ठा नहीं दिखलाता, सतो गुण से युक्त होता है, वही उपयोगी है। अभी तो ब्राह्मण ऐसे ऐसे हो गए, पहले दक्षिणा फिक्स करेंगे, है ना, नहीं तो जाओ किसी और से करा लो, बिल्कुल बिजनेस हो गया। उनको ये नहीं है कि हमको अवसर मिलेगा शास्त्र पढ़ने का, मंत्रोच्चारण करने का, है नहीं, तो वेदों के मंत्र हैं, शुद्ध हैं, हमारा जिह्वा पवित्र हो जाएगी, तो बस उतना ही बहुत है। संतोष होना चाहिए ब्राह्मण को, संतोष संतोष कुछ नहीं। सबसे पहले ही पहले ये स्थिति है आज के युग में, पूरे ब्राह्मण समाज की ऐसी दशा हो गई है। तब पहले तो दक्षिणा की बात करते हैं, किसी की डेथ हो गई हो तब भी उनको लाज नहीं आती है, पहले दक्षिणा फिक्स कर लेते हैं। ये नहीं तो हाथ नहीं डालेंगे, वो डेड बॉडी पड़ी रहे तो पड़ी रहे, वो जाएंगे नहीं वहाँ पे, शमशान घाट तक नहीं लेके जाएंगे। इसलिए मनुष्यों के एक वर्ग को शुरू से ही ब्राह्मण बनने की शिक्षा दी जानी चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांतो गुरोर हितम, ये नारद जी का फिर वचन है वहीं सातवें स्कंद से 7:12:1। दांत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो ईर्ष्यालु नहीं होता और झूठी प्रतिष्ठा के बल पर इतराता नहीं है, तो उसको इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए गुरुकुल में रह करके। किस लिए? गुरोर हितम, गुरु के सुख के लिए। हम सही ब्राह्मण बनेंगे तो हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए, हार्ड प्रैक्टिस। जैसे हम लोग कोशिश करते थे कि टीचर जो है बढ़िया हैंडराइटिंग लिखो, नीचे गुड लिख के देगी, वेरी गुड लिख के देगी, फेयर लिख के देगी, है ना, वेरी गुड है, ला ला के मम्मी पापा को दिखाते हैं बच्चे। वैसे ही गुरु जी हमारे जो हैं प्रभुपाद जी अप्रिशिएट कर दें उस चीज़ को, यस यू हैव डन अ नाइस जॉब, बस हो गया, इससे प्रसाद आज भगवत प्रसाद। तो दांत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो ईर्ष्यालु नहीं होता, झूठी प्रतिष्ठा के बल पर इतराता नहीं। हम कृष्ण भावना मृत आंदोलन के द्वारा समाज में ऐसे ब्राह्मणों का समावेश करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्राह्मण्स, वो समाज में जाएंगे, वो लोगों को आशीर्वाद देंगे और तब जो है सारा समाज सुखी होगा। ब्राह्मणों को अंततः वैष्णव हो जाना चाहिए, वहीं ना रुक जाए ब्रह्म जानाति तक,
भगवान को भी तो जानना है और भगवान की सेवा में भी लगना है, तब तो जीवन सार्थक होगा। केवल ब्रह्म जानने से क्या होगा? ब्राह्मणों को अंततः वैष्णव हो जाना चाहिए, और यदि कोई वैष्णव है तो उसे पहले ही ब्राह्मण के गुण अर्जित कर लिए हैं, उसने पहले ही अर्जित कर लिए हैं। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, भगवद गीता 18:54। ब्रह्म भूतः शब्द ब्राह्मण बनने या ब्रह्म क्या है उसे समझने का सूचक है। ब्रह्म भूतः माने ऐसा व्यक्ति जो ये जानता है कि ब्रह्म क्या है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म भूत है उसकी पहचान क्या है? प्रसन्न आत्मा। वो सदैव प्रसन्न रहता है। जो प्रसन्न नहीं है वही दक्षिणा फिक्स करता है, ये तो रहता प्रसन्न। न शोचती न कांक्षती, कुछ आकांक्षा ही नहीं है और किसी बात का शोक नहीं। वह कभी भौतिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। क्या गा रही थी माता जी अभी कीर्तन के समय? गांठ में बांधे नहीं, मांगत में सकुचाए। तो फिर क्या जरूरत है कुछ लोभ करने की, कुछ करने की? बैठे हुए हैं, भजन करो बस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो न शोचती न कांक्षती, ब्रह्म जानने वाला ही ऐसा होता है। न शोचती न कांक्षती, डिवोटी की तो बात जाने तो भी, अभी डिवोटी कहाँ आया है नंबर। वह कभी भौतिक आवश्यकताओं से विचलित नहीं होता। समः सर्वेषु भूतेषु, वह हर एक को समान रूप से आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहता है। फिर चाहे ध्रुव हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे मृगारी हो, एक जानवर मार रहा है, एक मनुष्य मार रहा है और एक भगवान को ढूंढने निकला है, सबके प्रति नारद जी एक समान, सबको वही आशीर्वाद भगवत प्राप्ति कराने का। समह सर्वेषु भूतेषु, नहीं ये तो मनुष्य का हत्यारा है, ये क्या भक्ति करेगा, नहीं मरा मरा जपो, ये है। समह सर्वेषु, वह हर एक को एक समान रूप से आशीर्वाद देने को तैयार रहता है। आशीर्वाद में कंजूसी क्यों करें? मत भक्तिम लभते पराम, तब उसको भगवान देते हैं, ये मैं तो मेरी भक्ति के लायक है, इसमें समता है, इसमें ये शोक नहीं करता, ये आकांक्षा नहीं करता, ये मुझे कुछ कुछ जानने लगा है, ब्रह्म जानाति, सदा प्रसन्न रहता है। तो भगवान को वही लोग पसंद हैं जो सदा प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी की डेथ हो गई तो 12 दिन पूजा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो अप्रसन्न होकर के आएगा। हमारा काम क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। हम इसके लिए जा रहे हैं पूजा करने, भोग लगाने, सब कुछ करने के लिए, पता लगा कि आंसू बह रहे हैं और याद कर रहे हैं किसी और को, मन में शोक कर रहे हैं। तो फिर वो जो शोक करेगा तो फिर तो भगवान को प्रिय नहीं है, और जो प्रिय नहीं उसको भक्ति काय दे देंगे। अब रो रहा है तो उसको दे देंगे क्या? हाँ, ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्त, ले झूला झूलो बैठ के ब्रह्म लोक से पाताल लोक, चलो आओ चक्री में बैठ जाओ, 84 लाख उसमें हैं स्थान, आएंगे बीच बीच में देखते रहना सबको। मत भक्ति मिलवते पराम, तो ब्राह्मण को वैष्णव बनना जरूरी है, तभी उसका कल्याण है। और जब प्रसन्न आत्मा होगा, न शोक करेगा, न कोई आकांक्षा करेगा, आशीर्वाद देने में सबके प्रति सम होगा, तब तो भगवान उसको अपनी भक्ति दे देंगे। इस युग में
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने वैष्णव शिष्यों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात इस विचार से किया कि लोग समझें कि जब कोई वैष्णव बनता है तो वह पहले से ही ब्राह्मण गुणों को अर्जित कर चुका होता है। पहले तो उसको हरि नाम कराया जाता है, कोई भी आता है वो सबसे पहले क्या करता है, और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं वैष्णव कौन है, जार मुख से एक बार सुनी कृष्ण नाम, है ना, एक बार जिसके मुख से हरि नाम सुन लो बस वो वैष्णव हो गया। ये मतलब सबसे इनिशियल है डेफिनेशन। फिर आगे जो हर समय भगवान का नाम लेता है वो है वैष्णव। फिर और आगे जिसको देखते ही कृष्ण का स्मरण हो जाए वो है वैष्णव। तो अब वो तो आते ही जो है वो वैष्णव तिलक और कंठी और सब धारण करना शुरू कर देता है। अब ये कृष्ण के चरण और तुलसी और हरिनाम कंठी ये सब देख करके तो किसी को भी कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। इसको बोलते हैं उद्दीपन, कृष्ण के प्रति भाव का उद्दीपन हो जाता है। जैसे दीपक जला दिया किसी ने, हैं, तो रोशनी हो गई। पहले कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा था, एकदम से घने घने बादल छा गए, तो राधा रानी ने देखा बादलों की ओर, काले घने बादल मने घन श्याम, घन और श्याम, तो अब घन श्याम का स्मरण, राधा रानी मूर्छित इतने भाव में आ गई बादल देख कर। उद्दीपन, भावों का उद्दीपन हो गया, भाव जाग उठे, भाव का दीपक जल उठा हृदय के अंदर, प्रज्वलित हो गया। ऐसे ही मोरपंख देख लिया तो कृष्ण का स्मरण हो गया, तुलसी देख लिया कृष्ण का स्मरण, ये सब उद्दीपक हैं। तो इस युग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने वैष्णव शिष्यों के लिए, जिससे पहले से ही वैष्णव, वैष्णव शिष्यों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार का सूत्रपात इस विचार से किया कि लोग समझें कि जब कोई वैष्णव बनता है तो पहले से ब्राह्मण गुणों से युक्त होता है, उनको जनेऊ पहनाने में क्या है। इसलिए जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं और जो ब्राह्मण बनने के लिए दो बार दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें सत्य मन तथा इंद्रिय दमन सहिष्णुता इत्यादि से युक्त होने के परम उत्तरदायित्व को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जिन्होंने दो बार दीक्षा ली है विस्कॉन में हैं, और पहली दीक्षा हरि नाम की होती है और दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो वो सर्टिफाई हो जाता है कि हाँ ये इसमें ब्राह्मण क्वालिफिकेशंस हैं, गुरु ने सर्टिफाई कर दिया। ये जो जनेऊ होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है। तो अब उसकी ड्यूटी है कि मन पर इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, पता लगा ब्राह्मण दीक्षा ले करके और चाय समोसा बाहर खा रहा है, तो ये थोड़ी ना होना चाहिए, उसने मान नहीं रखा। इसलिए जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भाव संघ में हैं और जो ब्राह्मण बनने के लिए दो बार दीक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें सत्य मन तथा इंद्रिय दमन सहिष्णुता इत्यादि से युक्त होने के लिए परम उत्तरदायी होने के परम उत्तरदायित्व को सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है, हमको ऐसे नहीं ऐसे रहना है। जैसे एक कॉलेज में कोई एडमिशन लेता है तो ध्यान रखता है ना कि हमको यूनिफॉर्म में जाना है, कितने बजे कॉलेज में एंटर करना है, कितने बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, कब फीस देनी है, कब छुट्टी होगी, कब फ्री पीरियड है, सब चीज़ का उसको ध्यान रहता है, उसका टाइम टेबल रहता है पूरा का पूरा। वैसे ही ये जो ब्राह्मण दीक्षित हो चुका है उसको भी चाहिए कि ये सारी ड्यूटीज अपनी ध्यान में रखे। ये परम उत्तरदायित्व है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी उनका जीवन सफल होगा। हम लोग भी न्यूनाधिक कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, तो
जब कोई व्यक्ति इन गुणों को देखेगा हमारे अंदर, तभी वो अट्रैक्ट होगा। भाई एक बार तो आदमी अट्रैक्ट हो जाएगा वेशभूषा से, चलो बाद में तो वो प्योरिटी देखेगा। अब वो प्योरिटी नहीं होगी तो फिर वो वापस चला जाएगा, हमने देख ली वैष्णव कैसे होते हैं, बस उसने देख लिए। अब पूरे इस्कॉन के बारे में एक व्यक्ति को देख करके उसका माइंड मेकअप हो गया कि ये ऐसे होते हैं। तो ये परम उत्तरदायित्व है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, ये हर समय स्मरण रखना चाहिए सावधान, तभी उसका जीवन सफल होगा। ऐसे ही ब्राह्मणों को नंद महाराज ने वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण करने के लिए बुलाया था, सामान्य ब्राह्मणों को नहीं। तो हमको भी नंद बाबा बुलाएं वैदिक स्तोत्र पढ़ने के लिए, तो कम से कम ऐसे बन तो जाए, है कि नहीं। हिंसा मान का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। मान शब्द मिथ्या प्रतिष्ठा या मिथ्या अहंकार का द्योतक है, इससे मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। जिन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के कारण अपने को ब्राह्मण मानने का मिथ्या अहंकार था, नंद महाराज ने उन्हें ऐसे अवसर पर नहीं बुलाया। छांट छांट के लोग बुला रहे हैं। अब ब्रिज में तो खैर सारे ही ऐसे डिवोटी हैं, प्योर डिवोटी। पवित्र औषधि शब्द का उल्लेख हुआ है 14वें श्लोक में। तो किसी भी संस्कार के अवसर पर अनेक जड़ी बूटियों तथा पत्तियों की आवश्यकता पड़ती है, ये पवित्र पत्र कहलाती हैं। कभी नीम की पत्तियां, कभी बेल की पत्तियां, कभी आम की पत्तियां, कभी अश्वत्थ की आंवले की पत्तियां काम में आती हैं। ये पांच प्रकार की पत्तियां बड़ी शुभ मानी जाती हैं। और पंचगव्य, क्या क्या होते हैं पंचगव्य? दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य। पंचशस्य, पंचरत्न। वैश्य जाति के होते हुए भी नंद महाराज को यह सब पता था। इन श्लोकों का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है महागुणम। किसके लिए आया है? प्रसाद के लिए। प्रसाद अन्नम महागुणम। कैसा प्रसाद खिलाया? महागुणम। तो महागुणम जो सूचित करता है कि ब्राह्मणों को उच्च कोटि का स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाता था, ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन प्रायः अन्न तथा दुग्ध, इन दो वस्तुओं से तैयार किए जाते थे। इसलिए भगवत गीता 18:44 में आदेश है कि मानव समाज को गऊओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए और कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। फिर वही चीज है, सब लोग थोड़े वही करेंगे। कुछ ब्राह्मण गुणों संपन्न है तो प्रचार कार्य में लगेंगे, और कुछ जो है वैश्य स्वभाव के हैं तो अपना कृषि को रक्षा करेंगे, कुछ क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो फिर वो शासन करेंगे। केवल पटु पाक विद्या द्वारा कृषि उपज एवं दुग्ध उत्पादनों से हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। केवल कृषि और दूध, कृषि गौरक्ष, इससे हजारों तरह के व्यंजन बन जाएंगे। इसे अन्नम महागुणम शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। आज भी भारत में दूध और अन्न से हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार करके भगवान को अर्पित किए जाते हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तब प्रसाद वितरित किया जाता है। आज भी जगन्नाथ क्षेत्र तथा अन्य बड़े बड़े मंदिरों में अर्चा विग्रह को अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन भेंट किए जाते हैं और प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में 10,000 लोगों का प्रसाद हमेशा रेडी रहता है।
प्रचुर मात्रा में प्रसाद वितरण, उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा दक्षता के साथ पकाया गया। कौन पकाता है? उच्च कोटि के ब्राह्मण, और दक्षता के साथ पकाया गया, और फिर जनता में बांटा जाने वाला यह प्रसाद भी ब्राह्मणों या वैष्णवों से प्राप्त आशीर्वाद होता है। ठीक है, ये जो प्रसाद है जो वैष्णवों से प्राप्त हो रहा है, ब्राह्मणों से प्राप्त हो रहा है, वो भी उनका आशीर्वाद है। प्रसाद माने कृपा। प्रसाद चार प्रकार का होता है, चतुर्विधा। एक तो स्वाद के अनुसार चार प्रकार का है, एक खाने के अनुसार चार प्रकार का है। स्वाद के अनुसार चार प्रकार हो गया, नमकीन है, मीठा है, चटपटा है, खट्टा है। ठीक है, और जो शेप के हिसाब से, कोई लिक्विड है, कोई चाटने वाला है, कोई चबाने वाला है, तो चर्व्य, चोष्य, लेह्य और पेय, ये चार प्रकार के। चबा कर खाए जाने वाले, चाटने वाले, जीभ से स्वाद लिए जाने वाले और पिए जाने वाले पदार्थ। इस तरह अन्न तथा घी से नाना प्रकार के प्रसाद तैयार किए जाते हैं, फिर अर्चा विग्रह पर भेंट किए जाते हैं, और तब ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में और अंत में सामान्य जनता में वितरित किए जाते हैं। पहले किसको दिया जाता है? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों और वैष्णवों। अभी ये तो मेथड खाली रह गया है, जब किसी की डेथ होती है तो वहाँ तिरही में पहले ब्राह्मणों को बैठा खिलाते हैं, है ना? बाकी तो कहीं ये सिस्टम नहीं है, सब एक साथ जुट जाते हैं। मानव समाज का यह तरीका है गोवध तथा भूमि के विनाश से भोजन समस्या हल होने वाली नहीं है, यह सभ्यता नहीं है। असभ्य जंगली लोग कृषि द्वारा अन्न उत्पादन तथा गो रक्षा से अनजान होने के कारण पशुओं को खा सकते हैं। अब जंगली लोग हैं, उन्हें कौन समझाने जाए, वो लोग खा रहे हैं, चलो ठीक है, उनको पता नहीं है। किंतु ज्ञान में अग्रणी पूर्ण मानव समाज को कृषि से तथा गो रक्षा से उत्तम कोटि का भोजन बनाना अवश्य सीखना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है कि हर एक भक्त को ये सीखना चाहिए, पूर्ण मानव समाज को कृषि से तथा गो रक्षा से उत्तम कोटि का भोजन बनाना अवश्य सीखना चाहिए। तो कुकिंग सीखना कंपलसरी हो गया सबको। गावह स, अब ब्राह्मणों को खुश करना है तो नंद बाबा हर तरह से खुश करते हैं ना। अब ब्राह्मणम भोजनम मिष्ठानम प्रियम, उनको मिष्ठान नहीं खिलाओगे, दूध दही का बना हुआ सब बढ़िया बढ़िया चीजें, तो कहाँ से प्रसन्न। और खा पी करके तब देंगे आशीर्वाद डकार लेकर, बढ़िया बढ़िया चिरंजीवी भव, ये हो सब नंद बाबा गदगद, मेरे बेटे को आशीर्वाद दे। गाव सर्वगुणों पेता वास श्री रुक्म मालिनी आत्मज अभ्युदयार्थाय प्रादात्ते च अन्वयुञ्जत। प्रादात, ब्राह्मणों को दान में गौएं दी। प्रादात गावः, आत्मज अभ्युदयार्थाय, अपने पुत्र के कल्याण एवं आयु आरोग्य वैभव आदि के लिए, हमारे पुत्र का कल्याण हो, उसकी आयु बढ़े, वो निरोगी रहे, उसको वैभव प्राप्त हो संसार का, तो नंद महाराज ने सर्व गुणों पेता, प्रचुर परिमाण में दूध देने वाली सब गुणों से संपन्न गौएं, अनेक महागुणों से युक्त और वास यानी वस्त्रों से ढकी हुई श्री मालाएं पहने हुए
वा ससृग रुक्म मालिनी, सोने की मालाएं पहने हुए, ये नंद बाबा का ऐश्वर्य। और वस्त्र जो हैं वो भी स्वर्ण सूत्र से रंजित हैं, स्वर्ण सूत्र रंजित वस्त्र और सोने की मालाएं आदि से सुशोभित गायें प्रादात ब्राह्मणों को दान में दी। और तेज और ब्राह्मणों ने भी अनु नंद महाराज द्वारा दिए जा रहे दान को ग्रहण करने के पश्चात अयुंजता शुभ आशीर्वाद प्रदान किए, सब आशीर्वाद देने लग गए। तो अभी क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने बच्चे के कल्याण चाहता है तो उसके लिए खूब संग्रह कर करके रखता है, और नंद बाबा क्या कर रहे हैं, बच्चे का कल्याण करना है तो दान दे रहे हैं। कितना डिफरेंस आ गया, वो दान दे करके बच्चे का कल्याण कर रहे हैं, योग्य ब्राह्मण ढूंढ ढूंढ करके अनक्वालिफाइड को बुलाया ही नहीं है, और यहाँ संग्रह करके हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। ये डिफरेंस आ गया, धर्म से ग्लानी इसको जस्ट उल्टा हो गया। दान करने से कल्याण होता है, संग्रह करने से नहीं। तदनंतर श्री नंद जी ने अपने पुत्र के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए पयस्विनी एवं सर्वगुण संपन्ना बहुत सी गौ में दान में दी। अभी तो आदमी जीवन में एक गौ दान कर दे तो बड़ा गर्व महसूस करे, हमने गौ दान किया है, मरने के बाद लोग गौ दान कर, और अब तो चांदी की इतनी छोटी गौ बना दी वो दे दिया, ले वो भी सेवा नहीं कर पा रहे जिसको दे रहे हैं, और गौ सचमुच दे देंगे तो उसके लिए मुसीबत आ गई, कहाँ रखें क्या करें कैसे सेवा करें, ये तो दशा हो गई है। तो दान में दे भी दे तब भी रख नहीं पाए। तो दान करने से कल्याण होता है। नंद जी ने अपने पुत्र के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए बड़ी उत्तम गौएं दान प्रदान की। वे सभी गौएं वस्त्र पुष्प माल्य एवं सुवर्ण मालाओं से विभूषित थीं। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और दान को ग्रहण करने लगे। विप्रा मंत्रविदो युक्ताः तैर्याः प्रोक्ताः तथाशिषः तान् निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रविदः युक्ताः विप्राः वेदार्थ तत्वज्ञ भगवत भक्त, युक्ताः माने भगवत भक्त, भक्ति से युक्त ब्राह्मण गण तैः या आशीषः प्रोक्ताः, उन्होंने जो आशीर्वाद दिए ताः कदाचित स्फुटम् निष्फलाः न भविष्यन्ति, वो निश्चित रूप से स्फुटम, स्फुटम माने निश्चित रूप से, निष्फला न भविष्यन्ति, निष्फल नहीं होते। मंत्रज्ञ ब्राह्मण योगी या भक्ति योगी जो आशीर्वचन देते हैं वे कभी भी निष्फल नहीं होते, यह सुनिश्चित है। तो बड़ी अद्भुत घटना है, अति उच्च विशाल काय एवं भार से युक्त जो महाशकट था उसके नीचे पलना लगाकर उसमें नंद नंदन को शयन कराने पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ सकती है, इस इतने भारी भरकम शकट के नीचे इसको सुला दिया है तो नंद बाबा यशोदा सोच रहे हैं बिल्कुल सुरक्षित है ना, बढ़िया छत मिली हुई है शकट की, इतना भारी है कि आंधी तक में उड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसको,
और बलवान बलवान सब गोप छुटे हैं कई सारे, तब जा करके वो जो है एक एक पुर्जा अलग अलग उठा पाए हैं, ला करके सब जोड़ा है। तो विपत्ति कोई यहाँ शकट के नीचे आ जाएगी जिसको तो सपने में भी कल्पना नहीं थी। यशोदानंद बाबा, नंद यशोदा एवं अन्य ब्रजवासी गोप गोपियों ने ऐसी धारणा कभी नहीं की थी कि यहाँ भी वो संकट आएगा। बहुत से बलवान गोप मिल करके उस गाड़ी को हिला नहीं सकते थे, अतएव आंधी तूफान आने पर भी इस चकट के नीचे बालक सुरक्षित रह सकता है, सबकी यही धारणा थी। इसी धारणा के कारण यशोदा मैया अपने आंगन में सबके समक्ष उस महाचकट के नीचे प्रतिदिन अपने पुत्र को शयन कराती थी। ये डेली की एक्टिविटी थी, रोज वहीं सुला देती थी और आराम से अपना सो गया, तब कुछ अपना काम वाम कर लिया। अतः नंद नंदन के औत्थानिक पर्व के उपलक्ष में नंदालय में समस्त ब्रजवासियों का समागम हुआ है। आज तो बड़े मेहमान आए हुए हैं। उनके यथा योग्य सम्मान के लिए नंद यशोदा आदि सभी व्यस्त हैं, वहीं शकट के नीचे सो रहा है। नंद नंदन उन सब के दृष्टिगोचर स्थान पर निश्चित रूप से विराजमान थे। तो इतनी मजबूती बताई जा रही है उसकी, तो निश्चिंत सब हैं, तो सब बिजी हैं अपने अपने काम में। किंतु शकट का असंभावित परिणाम देखकर वे सभी व्याकुल और चिंतित हो गए। अभी तक निश्चिंत थे, लेकिन ये जो शकट बिखर गया ऐसे, आप बहुत चिंता हो। वे उस छिन्न भिन्न शकट को देखकर विविध प्रकार से कल्पना जल्पना करने लग गए। कुछ गोप कहने लगे, हो सकता है कि हमारे नंदनंदन के प्राण हरण की इच्छा से पूतना की भांति किसी राक्षसी ने आकर शकट के नीचे शकट के साथ रस्सी में बंधे पलने पर नंद नंदन को सोते हुए देखकर शकट के साथ ही लेकर के आकाश में उड़े। शकट को भी बांध रखा था उसके कृष्ण के पलने से। अब उन्हें देखा, मान लो राक्षसी ने, यार राक्षसी आई थी, तो राक्षसी ही सोच रहे हैं कि फिर राक्षसी आएगी। क्या पता राक्षसी ने सोचा होगा कि नंद नंदन तो यही है, यहाँ लेटा है, लाओ छकड़े समेत उठा लेते हैं। इतनी लंबी लंबी राक्षसी उन्होंने देखी थी, उसके सामने शकट क्या था, कुछ भी नहीं था। 18 किलोमीटर की राक्षसी वो देख चुके हैं पहले ही, तो शकट समेत उठा लिया उसने। कृष्ण को ले जाना चाहते होगी तो शकट समेत उठा लिया। अब शकट को खींचते ही पलने में बंधी रस्सी टूट गई, क्योंकि कृष्ण तो यहीं पड़ा है, शकट ही खाली बिखरा है। इसका मतलब कि जैसे उसने शकट उठाया होगा और रस्सी टूट गई पलने वाली, तो ये तो यहीं रह गया और शकट जो है फूट गया। तो अब ये ले शकट लेके उड़ के क्या करेंगे, कृष्ण तो नीचे बैठा हुआ है, तो पलना गिर गया भूमि पर। तो इससे क्रुद्ध होकर उसने आकाश से शकट को कृष्ण के ऊपर फेंक दिया, अगर इसी से मर जाए शायद, ये किया होगा। अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं। अवश्य ही उसका अभिप्राय शकट के आघात से बालक के प्राण नाश करने का था, शकट मार करके मारना चाहता। किंतु भगवान नारायण की अद्भुत कृपा इस बच्चे पर, नारायण की बड़ी कृपा, आज बालक के जीवन की रक्षा हुई है। ये है गोपों का भाव, नारायण रक्षा कर रहे हैं। फिर कुछ गोप कहने लगे, अवश्य ही किसी विशालकाय दैत्य ने आकर शकट के नीचे नंद नंदन को हरण करने की चेष्टा की होगी, शकट के नीचे घुसने की कोशिश की उसने, किंतु उसका शरीर बड़ा हो रहा होगा विशाल, इसलिए घुस नहीं पाया अंदर। तो उसने कहा कि अब शकट के नीचे तो घुस नहीं पाएंगे, शकट उठा के फेंक दिया उसने। राक्षस तो बलशाली होते ही हैं, अब शकट उठा के फेंको और कृष्ण को उठाओ और चल दो। और शकट जैसे ही उसने फेंका तो हम लोग सब आ गए, तो राक्षस भाग गया।
शकट की आवाज सुन करके, और हम लोगों के आने से, ये भी लिखा है, शकट को दूर फेंक दिया हुआ शकट गिरने का महाशब्द सुनकर हमारे यहां आने पर वह भाग गया। समागत गोपगण इस प्रकार विविध प्रकार की कल्पना करके किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंचे। नंद नंदन के अमंगल की आशंका से उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। ये एक से घटनाएं घट रही हैं, पहली हुई दूसरी हो गई। वे कहने लगे, अवश्य ही कोई राक्षस या असुर आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भी हो वह बालक का वध नहीं कर सका, परंतु पुनः बालक का कोई अमंगल हो सकता है। अनिष्ट की आशंका प्रेम का लक्षण होता है, अनिष्ट की आशंका हो रही है, फिर कहीं कोई आ गया। हाय हाय, हम कैसे इस बालक के जीवन की रक्षा करें, तड़प रहे सब, क्या करें क्या करें। हे नारायण, तुम्हारी कृपा के बिना इस बालक के जीवन की किसी प्रकार भी रक्षा नहीं हो सकती। हम इसे तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं, तुम हमें इस बालक के जीवन की भिक्षा दे दो। ये नारायण से भिक्षा मांग रहे, इसकी सुरक्षा की भिक्षा हमको दे दो। तो ब्रिजवासी कृष्ण की सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर हुए जा रहे हैं? नारायण पर या विष्णु पर। तो ये जो ऐश्वर्य भाव विहीन प्रेम है ब्रजवासियों का, तो कृष्ण का ऐश्वर्य कुछ जानते नहीं है, वात्सल्य प्रेम इतना बड़ा हुआ है, उसने ज्ञान को ढक दिया है। जैसे माया ज्ञान को ढक देती है, हमारी चेतना को सतोगुण रजोगुण तमोगुण कवर कर लेते हैं, वैसे ही योग माया के द्वारा और वात्सल्य प्रेम अगाध है, उसने ज्ञान को ढक दिया है, सुरक्षा की चिंता है। तो अब इस लीला को कोई सुनेगा तो उसको संदेह होगा, इस संदेह तो जन्म लेगा कि भगवान विष्णु है या कृष्ण। कृष्ण की सुरक्षा के लिए भी विष्णु पर निर्भर हो रहे हैं लोग, तो वो भी है, हमने भागवत में पढ़ा है हमने दशम स्कंध में पढ़ा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। वही है, क्रम से गुरु परंपरा से नहीं जाने के कारण ये कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला। अब वो ब्रिज का प्रेम है, ऐश्वर्य भाव विहीन है, उसमें नारायण पर आश्रित हो रहे हैं बालक की सुरक्षा के लिए, नहीं जानते हैं, क्यों नहीं जानते हैं, ये सारी बातें उनको क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए वो कन्फ्यूज होते हैं। हे नारायण, तुम्हारी कृपा के बिना इस बालक के जीवन की किसी प्रकार से रक्षा नहीं हो सकती, हम इसे तुम्हारे चरणों में समर्पित करते हैं, तुम हमें इस बालक के जीवन की भिक्षा दे दो। नंदनंदन को शकट के नीचे पलने पर शयन कराकर अन्य कार्यों को करने के लिए जाते समय यशोदा मैया ने जिन बालकों को नंदनंदन की पहरेदारी के लिए वहां रखा था, उन्होंने नंदनंदन का रोना, हाथ पैर उछालना, उनके चरणों के स्पर्श से शकट का छिन्न भिन्न होना आदि सभी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था, किंतु वे अपने बाल सुलभ स्वभाव के कारण इस घटना की अद्भुतता, कि घटना कितनी अद्भुत है, ओ कितनी अद्भुत है, वो नहीं सोच पा रहे बच्चे, ये कुछ अद्भुत हो गया, हमने देखा इसने पैर से मारा हो शकट उलट गया, बता रहे कोई सुन नहीं रहा, कहना जाओ खेलो। और भयजनक बातों को वो नहीं समझ पाए कि आगे और भी कोई घटना फिर घटित हो सकती है, बच्चों क्या पता, वो तो बहुत कॉन्फिडेंस में आ गए होंगे कि अरे ये तो बहुत पावरफुल है, पलट दिया
वे नंद महाराज आदि गोपों की जल्पना कल्पना सुनकर कहने लगे, अहो यहाँ राक्षस आदि कोई नहीं आया था। सुन रहे हैं सब आपस में क्या क्या बातें कर रहे हैं, नहीं राक्षस आया था, ये हुआ था, लेके उड़ा होगा, रस्सी टूटी होगी, फिर नीचे घुसने की कोशिश की होगी, घुस नहीं पाया तो उसने शकट फेंक दिया, फिर हम लोग आ गए तो भाग गया, इनके आने से राक्षस भाग गया। और कृष्ण थे तो राक्षस आ रहा था। कृष्ण का नाम लेने से राक्षस भाग जाते हैं, लेकिन अब ब्रिजवासियों को कौन समझाए। इसलिए हर जगह अपना ज्ञान नहीं बांटना शुरू कर देना चाहिए, पता लगा ब्रिजवासी कोई बैठा उसको समझा रहा है। नहीं तो ऐसे ही कहेंगे, कहेंगे कि ये बच्चा है, कुछ आता जाता नहीं। अहो यहाँ राक्षस आदि कोई नहीं आया था, बच्चे बोल रहे हैं, इस बालक के उछलते हुए चरणों के स्पर्श से यह शकट उलट कर दूर जा गिरा। यह बात मिथ्या नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे हम लोग, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, इस बालक ने ही शकट को उल्टा है। वह देखो बालक अभी भी रो रहा है, पैर से मारा था ना, पैर में चोट लगी हुई इसीलिए रो रहा है। इतने भारी को मार देगा पैर से तो चोट नहीं लगेगी, संभव है उसके पैरों में चोट लगी हो, रो रहा है देखो। तो प्रत्यक्ष प्रमाण को भी इग्नोर कर दिया, ये वात्सल्य की अगाध वात्सल्य है ये, इतना और कोई प्रमाण है नहीं, एक ही प्रमाण है, उसको झूठ ला दिया। तो ज्ञान आए तो कहाँ से आए इन ब्रिजवासियों को, ये वात्सल्य प्रेमियों को कौन ज्ञान दे पाएगा, प्रामाणिक स्रोतों को तो इग्नोर कर देना। 7 दिन गोवर्धन उठाया, तब तो नंद बाबा ने क्लास दे दी, आशीर्वाद दो इसको, गर्ग मुनि आए थे, तुम लोग कुछ पता नहीं, तुम लोग गैया चराते रहते पहले। उन बालकों की बातें सुनकर नंद महाराज आदि गोपगण जोर से हंसने लगे। इसने मारा है, अच्छा इसने पैर से मारा था, उछल गया, क्योंकि उनमें से कोई भी कृष्ण की अप्रमेय, इसको नापा नहीं जा सकता, उसको अप्रमेय कहते हैं, अप्रमेय शक्ति के विषय में नहीं जानता था। बड़े गोपों में कोई जानता ही नहीं था कृष्ण की अप्रमेय शक्ति। नंद नंदन अब भी हाथ पैर उछालते हुए रो रहा था, और ग्वाल बालों से यशोदा कह के गई थी कि जब रोए तो बता देना, और वहीं खेल रहे थे आसपास, और जब रोने लगा तो रोते हुए और सुंदर लग रहा था। वो उसी में मुख धोए जा रहे हैं कि रो रहा है कितना सुंदर लग रहा है। एक कुंती माता ने वर्णन किया ना कि काजल से फैल गया कृष्ण के, तो ये रूप जो है मुझे मोहित करता है, तो वो मोहित हो गए सब रोते हुए कृष्ण को देख के, और उन्होंने कहा अरे हम ही चुप करा लेंगे, लगे झूला झुलाने उसको। लेकिन वो कहाँ चुप होने वाला, हुआ ही नहीं, उसको तो कुछ और चाहिए। नंद नंद अब भी हाथ पर उछालते हुए रो रहा है, यह देखकर वात्सल्य पयो निधि माँ यशोदा स्थिर नहीं रह सकी। बच्चे को रोता हुआ देख के माँ कैसे चुप हो जाए, वह सोचने लगी कि निश्चित ही मेरे बालक के ऊपर किसी बाल ग्रह राक्षस की दृष्टि पड़ी है, नहीं तो यह बालक इस प्रकार क्यों रो रहा है। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक बालक को उठाकर अपने वक्ष स्थल में धारण कर लिया, एवं ब्राह्मणों के निकट जाकर रोती हुई कहने लगी, हे ब्राह्मण गण, आप लोग इस बालक को जीवन दान करें, इस बालक पर निश्चित ही किसी बाल ग्रह की दृष्टि पड़ी है, नहीं तो यह बालक कभी इस प्रकार नहीं रोता है। हम तो 100 दिन से देख रहे हैं, 3 महीने का हो गया है, आज तक इस तरह से नहीं रोया जैसे आज रो रहा है यहाँ बैठ के। मैं इसका रोना देखकर धैर्य धारण नहीं कर पा रही हूँ, आप लोग इसको जो है सुरक्षा प्रदान कीजिए।
नंदनंदन यशोदा मैया की गोदी में स्तनपान करते हुए आनंद सागर में डूब गए एवं हाथ पैर चलाकर क्रीड़ा करने लगे गोदी में बैठे बैठे एवं अव्यक्त मधुर ध्वनि करने लगे, बच्चे जैसे करते हैं ध्वनि दूध पीते पीते। यह देखकर गोप गोपियां आनंद में डूब गए, उनका समस्त शोक दूर हो गया एवं स्थिर होकर वे अपने अपने कार्यों में मनोनिवेश करने लगे, मन लगाने लगे जो जो उनके ड्यूटीज थी उसमें। तो गोप बालक जो हैं वो कृष्ण को चुप कराने का प्रयत्न तो कर रहे थे पलना हिला हिला करके, लेकिन वो नहीं चुप करा पाए। और यशोदा की गोद में चढ़कर स्तन पान करके कृष्ण आनंद सागर में डूब गए। तो ये सख्य और वात्सल्य का भेद यहां दिख रहा है, सख्य भाव और वात्सल्य भाव। सख्य भाव में कोई अपने सखा की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लाइटली लेता है, हंसी में टालता है, लेकिन माँ से कैसे हंसी में टले, ये रोता नहीं है ऐसे कभी, ये वात्सल्य भाव। सख्य भाव से ऊपर है नीचे है श्रेष्ठ। चुप कराने के प्रयत्न दोनों ने किया लेकिन माँ से पटाख से चुप हो गया, आनंद सागर में डूब गया। अब उनसे तो रोना बंद नहीं किया, आनंद सागर तो छोड़ो खेलने को खेल लो, लेकिन जब रोएगा तो चुप तो मैया ही कराएंगे। तो शुद्ध प्रेम ऐसा है जो प्रत्यक्ष प्रमाणों की भी उपेक्षा कर देता है, जो ज्ञान देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण ग्वाल बाल चश्मदीद गवाह इग्नोर कर दिए सब। अच्छा, जब रो रहा था तो ग्वाल सखा क्या कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं, और यहाँ यशोदा, यशोदा का हृदय फटने लगा, रोती हुई गई ब्राह्मण। ये देख रहे डिफरेंस, वात्सल्य भाव कितना श्रेष्ठ है सख्य भाव से, स्पष्ट यहां दिखाई दे रहा है। यशोदा कृष्ण का रोना सहन नहीं कर पा रही है और गोप बालक रोते हुए कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे हैं। और कांटा कृष्ण के पांव में लगा नहीं है, वृंदा देवी की ऐसी योजना है कि एक कांटा नहीं लगा कभी कृष्ण को, लेकिन गोपियों के हृदय फटते रहते हैं, गया है गैया चराने कांटे लग जाएंगे, गाय को तो अकल है नहीं, घास खाती रहती हैं, आगे आगे चलती रहती हैं, फिर घास छोटी हो जाती है तो कड़ी हो जाती है, चलता है पीछे पीछे लगती होगी, लंबी लंबी घास है तो नरम है चलता जाएगा, नहीं लगेगी गायों को क्या पता, तृण चरा अनुगम, वो तृण चरने वालियों का अनुगम बन के चलता रहता पीछे पीछे, लगता होगा इसको। हम तो इसके चरण अपने वक्षस्थल पर रखते हैं तब भी डरते रहते हैं कि हमारे वक्षस्थल बहुत कड़े हैं तो इसको लग जाएगी चोट, लेकिन ये तो गायों को तो अकल है नहीं। तो ये गोपी गोपी भाव अभी तो ये बहुत आगे आएगा, बाद में ये जीवन में आ जाए तो बड़ी खुशी की बात है। तो धैर्य नहीं धारण कर पा रही यशोदा मैया, ब्राह्मणों के पास रोती हुई गई हैं कि आप लोग इसको बालक को जीवन दान करें। नंदनंदन यशोदा मैया की गोदी में स्तनपान करते हुए आनंद सागर में डूब गए एवं हाथ पैर चलाकर क्रीड़ा एवं अत्यंत मधुर ध्वनि करने लगे। यह देखकर गोप गोपियां आनंद में डूब गए, उनका समस्त शोक दुख दूर हो गया एवं स्थिर होकर वे अपने अपने कार्यों में मनोनिवेश करने लगे। गोपराज नंद ने तब शांत होकर उपानंद आदि गोपों के साथ परामर्श कर स्थिर किया कि शकट को यथा स्थान स्थापन कर ग्रह दोष निवारण के लिए शांति स्वस्त्ययन
आदि करवाना अति आवश्यक है। समस्त ब्राह्मणगण यहाँ उपस्थित हैं, अतएव अविलंब ही यह कार्य संपन्न होना चाहिए। तुरंत शकट को जरा ठीक ठाक करो और फिर पूजा करवाते हैं। इससे बालक एवं संपूर्ण ब्रजमंडल का मंगल होगा। तो जीव जो है, पतितम माम विषमे भवाम बुधो, भवसागर में गिरा हुआ है, दुखी है, हम ही बड़ो दुखी, तो उसको सुखी कौन बनाता है? भगवान, है ना। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, मेरी स्थिति क्या है? मैं आपका किंकर होते हुए क्या हो गया हूँ? भव सागर में गिर गया हूँ। तो ये भव सागर में गिरे हुए फीलिंग होती है सागर में, अभी नदी में कोई गिर जाए, आपका अनुभव है कैसी फीलिंग होती है? प्राण संकट में आ जाते हैं। और सागर में कोई गिर जाए, ये तो चलो ठीक है कि किसी ने साड़ी पकड़ा दी और पकड़ करके आ गए, है ना, जैसा कि हुआ था हरिद्वार में तो। लेकिन अब वो सागर में कौन साड़ी पकड़ा देगा? वहाँ तो तट पता नहीं कहाँ, बाबा हम बुधि में गिर गए हैं बिल्कुल बीचों बीच में। भगवान के पास वो अपने हाथ पकड़े, बस और कोई सहारा नहीं है। कृपया, बस केवल कृपा का सहारा है, बस कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शन विचिंत है। कितनी सेफ्टी है, भगवान के चरण कमल में धूल की तरह पड़े रहो, और नहीं तो भव सागर है। दो ऑप्शन है जीव के पास, भव सागर में तो ऑलरेडी है, उधर पहुंच जाए। तो जीव दुखी है तो भगवान की कृपा का सहारा है उसको, बस और कोई सहारा नहीं। और जब भगवान दुखी हैं, रो रहे हैं, तो कोई चुप नहीं करा पा रहा है, केवल यशोदा मैया गोद में उठाएंगी, दूध पिलाएंगी, आनंद के सागर में डूब गए। दुखी भगवान को सुखी करने वाली यशोदा, कृष्ण को यश देने वाली यशोदा, यश देने वाली। तो ये यशोदा मैया है। गोपराज ने विलंब न करके बलिष्ठ गोपों को आदेश दिया। गोपराज का आदेश पाकर उन बलिष्ठ गोपों ने अत्यंत भारी उस गाड़ी एवं उस चक्र आदि को यथास्थान स्थापित किया। फिर जल लाकर उस शकट को धोया। शकट के आसपास गोबर लेप कर होम कुंड का निर्माण कराया। मंगल घट आदि स्थापित किए, घड़े पानी से भरे हुए जमुना जल से, उसको स्थापित करके ब्राह्मणों ने ग्रह होम करना आरंभ कर दिया। होम के पश्चात दही मिश्रित अक्षत और कुश जल छिड़क कर उस शकट की पूजा की गई। कलश में जल लेकर कुशा से अंदर डुबो करके वो छिड़क रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, दही अक्षत डाल रहे हैं, शकट की पूजा चल रही। जो स्वप्न में भी कभी किसी के गुणों में दोषारोपण नहीं करते, जो मिथ्या भाषण और मिथ्या व्यवहार से सर्वदा दूर रहते हैं, जिनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है, क्षमा जिनके अंगों का भूषण है, हिंसा का नाम जिनके स्मृति पथ पर नहीं है, अभिमान की गंध से भी जो विरक्ति अनुभव करते हैं, सर्वदा सत्यनिष्ठ और सत्य व्यवहार जिनका स्वाभाविक धर्म है, ऐसे धर्मनिष्ठ मोक्ष परायण और परम वैष्णव ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ये नंद बाबा को अटल विश्वास है। वे कृपा पूर्वक जिन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान
उनके प्रतिनिधि होकर, किसके, इन ब्राह्मणों वैष्णवों के, उनके प्रतिनिधि होकर उन आशीर्वादों को परिपूर्ण करते हैं। गौ ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण की वाणी को भगवान ने कभी झुठलाया नहीं, परीक्षित ने भी उसका प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, ठीक है एक्सेप्ट, अब क्या करेंगे, गलती तो हुई है, अब करना क्या है, बस ये देखना है क्या क्या हो गया मेरे जीवन में, उसको देख करके होगा क्या, मैं कैसे पतित हुआ। इसमें बड़ा वैष्णवों के बीच में मतभेद रहता है, पहले हम धाम में थे वहां से पतित हुए, नहीं हम कभी धाम में नहीं थे, हम तो नित्य बद्ध हैं। तो ये दो प्रकार की बातें कभी कभी भक्त लोग करते हैं, उलझते फिरते हैं, अरे ठीक है कैसे भी गिर गए। प्रभुपाद कहते हैं इस झगड़े में क्यों पड़ते हो, गिर गए हैं ना अभी, तो गिरा हुआ व्यक्ति कैसे गिरे पे बहस करे कि बचने की सोचे, अरे कैसे भी गिरे, अब तो निकलने की सोचो, कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश में, क्या हमने पास्ट में क्या पाप किए नहीं किए, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान तुरंत अहम तो आज सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि, तुम चिंता ही छोड़ दो, बस तुम मेरी शरण में तो आओ, साफ कर दूंगा बिल्कुल। बच्चा मल त्याग करके मल मूत्र लेटा हुआ है, उसी में छप छप कर रहा है, अनुभव होगा माताओं का, माँ आती है पूरा सफाई कर देती है, ठीक है, इतना गंदा हो गया है मैं कैसे साफ करूं, कभी नहीं सोचती, बल्कि जितना गंदा हो गया है उतना और अच्छी तरह से साफ करती। तो ऐसे ही भगवान करोड़ों माताओं का वात्सल्य रखते हैं, तो वो भी ऐसे ही सफाई कर देते हैं कि ठीक है इतना पापी था, लाओ तुम्हारी सफाई करते, आ जाओ तो मेरी कथा सुनने के लिए बैठ गए, ठीक है। श्रीणुमताम सुहृद सदाम, सुहृदों के मतलब वैष्णवों के जो सुहृद हैं वो सफाई करने में लग जाते हैं, कथा सुनने बस बैठ जाओ। श्रवण सबसे पहली विधि है, श्रवण, श्रवण में बैठ गया कोई व्यक्ति और श्रद्धा के साथ, तो गोविंद लभते रतिम, कहाँ जाए, भगवान तो बहुत दयालु है, प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। जब तक जॉब न मिल जाए तब तक एप्लीकेशन तो डालते रहना पड़ेगा ना अलग अलग कंपनियों में, लेकिन यहाँ तो कंपनी एक है उसी में डालना है, अलग अलग कंपनी आएगा, एक ही कंपनी में रोज दिन में 10 बार जा रहे हैं एप्लीकेशन देने, तो आखिर मालिक सोचेगा कि तो रोज आता है इसको लगा लो काम पे। कभी तो दीनदयाल के भनक पड़ेगी कान, कृष्ण नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, वे कृपा पूर्वक जिन्हें आशीर्वाद देते हैं ऐसे क्वालिफाइड ब्राह्मण्स, तो भगवान क्या, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय, कृष्णाय, गोविंदाय, नमो नमः, तो ब्राह्मणों के हित के लिए आते हैं। अब ब्राह्मण की बात ही कट जाएगी तो उनका हित कैसे होगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा फिर तो ब्राह्मणों की, इसलिए भगवान आके पूरा करते हैं, तो ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करो। बलि महाराज ने ही कहा था, मैं किसी से नहीं डरता, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं इससे नहीं डरता, मैं उससे नहीं डरता, नरक जाने से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मण को दिया हुआ वचन तोड़ दूं इस बात से मुझे भय लगता है। तो सम्मान किया ना ब्राह्मण का, वामन भगवान का, तो भगवान की भी प्रिय हो गए, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए सुतल लोग में। इस प्रकार शास्त्र सिद्धांतों में सुदृढ़ विश्वास परायण नंद आदि गोपगण श्री कृष्ण को यशोदा जी की गोदी से लेकर, अब दूध दूध पी चुके, यशोदा की गोदी से नंद बाबा ने ले लिया, और ब्राह्मणों के निकट आए और उनके कल्याण के लिए उनसे आशीर्वाद की भिक्षा करने लगे। नंदनंदन में परम स्नेह परायण ब्राह्मणों ने मंगल घट स्थापन किया और उसमें सर्व औषधि और महा औषधि डालकर जल पूर्ण किया
उसके पश्चात ऋक साम यजुर्वेद उक्त शांति मंत्र आदि पाठ करके कुश के द्वारा उस जल से नंद नंदन का अभिषेक किया। अब कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन ये गा रहे होंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम प्रणत ध्वज यही कर रहे होंगे और क्या करेंगे। इसके पश्चात उन्होंने सुसंस्कृत हवन कुंड में यथा विधि अग्नि स्थापन कर नंद नंदन के कल्याण के लिए आहुति प्रदान की एवं घृताक्त हवन की भस्म द्वारा नंद नंदन के ललाट वक्ष आदि स्थानों में तिलक की रचना की। हवन की भस्म से तिलक लगाए। उसके पश्चात ब्राह्मणगण नंदनंदन के मस्तक पर धान दूर्वा आदि अर्पण कर यज्ञोपवीत युक्त दाहिने हाथ से चिरंजीवी भव और जगताम आनंदम वर्धय जगत के आनंद को बढ़ाओ और लीलाएं करो। नहीं कि दो लीला करके बैठ जाओ। चिरारोग्यवान भव हमेशा तुमको कभी कोई रोग ना आए आदि कहकर आशीर्वाद देने लग गए। नंद महाराज ने इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा अपने पुत्र के कल्याण के लिए स्वस्त्यन और होम आदि कराकर एवं उनके शुभ आशीर्वाद से अपने पुत्र को अभिनंदित कर परम आनंद लाभ किया। वे पुत्र के समस्त प्रकार के उपद्रव आदि की शांति के लिए तथा अतुलनीय वैभव आयु और आरोग्य लाभ की कामना से नंद महाराज ने समागत ब्राह्मणों को राजा की भांति विविध उपकरण सहित भोज्य पदार्थ एवं असंख्य गायों को स्वर्ण विभूषित करके दान किया। ब्राह्मणगण गोपराज का परम श्रद्धा का दान ग्रहण कर मुक्त कंठ से आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घर लौट गए। निताय गौर प्रेमानंद निताई गौरांग जय निताई गौरांगो 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 निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांग जय निताई गौरांगो साई गौरांग जय साई गौरांग 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 सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन मोर हरि जय सचिनंदन नदिया बिहारी Oh,
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna.
डांस नहीं किया तो प्रसादम ने हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा गौरांगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कौन है भगवान अदृश्य हम लोग तो दृष्टा के सामने ऐसा दृश्य उपस्थित कीजिए स्वयं दृष्टा मत बनिए दृश्य बनिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे
जय ओम विष्णुपाद।